नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्रिकेट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का पहली बार 2020 IPL बहुत ही मारा गया था, क्योंकि दोस्तों इस सीज़न में CSK टॉप फोर में नहीं रह पाया। दोस्तों, IPL के हर सीज़न में CSK टॉप फोर में क्वालिफाई जरूर करता है। दोस्तों, IPL 2020 ख़त्म होने के बाद CSK फैंस ने ये उम्मीदें जरूर लगा ली थी कि 2021 में CSK की तरफ से बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, और रिटेंशन डे से पहले ही CSK ने दो प्लेयर को अपनी टीम से बाहर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, केदार यादव और पीयूष चावला, दोस्तों ये दो प्लेयरों को CSK ने रिलीज़ कर दिया है नेक्स्ट सीजन के लिए। ये एक बिल्कुल कंफर्म्ड न्यूज़ है दोस्तों। ये न्यूज़ इस समय की मोस्ट वायरल न्यूज़ हो रही है नेट पर, और ये बिल्कुल ही कंफर्म न्यूज़ है। इसके साथ लुंगी NKD को भी रिलीज़ कर सकती है CSK बहुत जल्द। दोस्तों, धन्यवाद आपने वीडियो को देखने के लिए। अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।